तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये प्रूफ देख लो। जब मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की थी, इस वीडियो के जो व्यूज का ग्राफ है यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ग्रे वाले ग्राफ के साथ चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे ना ये वीडियो व्यूज दे ही नहीं रही थी और मेरी ये वाली जो वीडियो है ना बिल्कुल डेड स्टेट में जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपने इस वीडियो को बूस्ट किया, आप इसके व्यूज के ग्राफ को देखो, सीधा ऊपर जा रहा है और अब रुक ही नहीं रहा है, ऊपर ही चलते जा रहा है। एंड अगर बात करूं मैं इसके व्यूज की कि मुझे व्यूज कहां से आ रहे हैं, इसका ट्रैफिक सोर्स क्या है, तो नीचे आप देख सकते हो मैक्सिमम व्यूज मुझे यूट्यूब सर्च से आ रहा है, मतलब ज्यादा लोग मेरी वीडियो को सर्च कर रहे हैं एंड सर्च करने के बाद वो मेरी वीडियो तक पहुंच रहे हैं। सो अगर आपके वीडियोस पर भी 20 से 30 व्यूज आने के बाद वीडियो बिल्कुल रुक जाती है, तो आज के इस वीडियो पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दो सीक्रेट स्ट्रेटजी जिससे आप भी अपनी वीडियो को बूस्ट कर पाएंगे। एंड जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता आज तक यूट्यूब पर किसने इस टाइप की स्ट्रेटजी बताई होगी, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले यार मैं अपने लास्ट वीडियो के विनर का नाम अनाउंस कर देता हूँ। तो इनके चैनल का नाम है शॉर्ट FF, कांग्रेचुलेशन भाई, आपका चैनल मैं बहुत जल्द अपने कम्युनिटी सेक्शन, अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर प्रमोट कर दूंगा। एंड अगर आप भी अपने चैनल को फ्री में प्रमोट करवाना चाहते हैं, सो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना, और हाँ जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसमें एक अच्छा सा कॉमेंट जरूर करना, क्या पता नेक्स्ट टाइम आपका नाम आ जाए। तो गाइस अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो गाइस सीधा चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने उस वीडियो के एनालिटिक्स पर चले जाना है जिसको आप बूस्ट करना चाहते हो। उसके बाद आपने रीच वाले सेक्शन पर जाना है एंड थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स। अब ये वही सर्च टर्म है जिसे लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं एंड आपकी वीडियो तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये सर्च टर्म अभी नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स आपने अपनी वीडियो को अभी अभी अपलोड किया है, आपको मैक्सिमम 2 से लेकर 3 दिन का वेट करना पड़ेगा, तब जाके ही आपकी वीडियो के लिए ये वाले सर्च टर्म्स वहां पर आपको शो करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका नाम है कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने सिंपली उस एप्लीकेशन को ओपन करना है, यहाँ पर आप क्लिक करके उस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से इसको ड्रैग करना है, सिलेक्ट करना है, जिससे यहाँ पर जितना भी इसका टेक्स्ट होगा वो कॉपी हो जाएगा और इसको आप आराम से कॉपी करके अपने उस वीडियो के टैग वाले सेक्शन पर पेस्ट कर पाओगे। तो अब आपने इन टेक्स्ट को बारी बारी कॉपी करना है, फिर आपने उस वीडियो के टैग्स पर जाने के बाद जो आपके पुराने टैग्स होंगे उनको आप हटा देना जो आपके रैंक नहीं कर रहे। फिर आपने इन सभी टेक्स्ट को अपने टैग वाले सेक्शन पर पेस्ट करना है एज ए टैग। तो आपने ऐसे सारे टेक्स्ट को कॉपी करके उनको टैग बना देना है, एंड हो सके तो इन सभी टेक्स्ट को आपने डिस्क्रिप्शन पर भी ऐड कर देना है। योर क्वेरीज का एक सेक्शन बनाओ और वहां पर आप इस तरीके से इसको ऐड कर देना। अब ऐसा करने से आपकी वीडियो कैसे बूस्ट होगी वो मैं आपको बताता हूँ। आप खुद सोचो, जब आपने उन सर्च टर्म्स को अपने टैग वाले सेक्शन पर यूज नहीं किया था तब भी ऑडियंस आपकी वीडियो तक पहुंच जा रही थी, लेकिन अगर आप यहीं पर अपना दिमाग लगाओगे, उन सर्च टर्म्स को अपने वीडियो के लिए टैग बना दोगे, तो भाई आपके उस सर्च टर्म को लोग सर्च करेंगे एंड वो आपने अपना टैग बना दिया, ठीक है, जिससे आपकी वीडियो उस टैग पर धीरे धीरे रैंक करने लग जाएगी एंड आपकी वीडियो यूट्यूब सर्च पर रैंक करेगी। तो इसी तरीके से यार मैंने अपने इन वीडियो को स्टार्टिंग पर बूस्ट किया जिससे मेरी वीडियो अब धीरे धीरे यूट्यूब सर्च पर भी रैंक कर रही है। रैंक क्या कर रही है, रैंक करने लगी है यार। तो आपने भी इस स्ट्रेटजी को यूज करना है एंड इस तरीके से आप भी अपनी वीडियो को बूस्ट कर सकते हो। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ वो सेकंड सीक्रेट स्ट्रेटजी जो शायद ही यूट्यूब पर आपको कोई बताएगा सिर्फ मेरे अलावा, क्योंकि यार आप मेरी फैमिली हो और आपके लिए तो भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो चलो सीधा बात करते हैं कि भाई वो है क्या। तो देखो यार, जब भी हमारे पास कोई भी एक वीडियो आती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान उस वीडियो के थंबनेल पर ही जाता है, एंड अगर हमें वो वीडियो का थंबनेल सही लगता है तब जाके ही हम उस पर क्लिक करते हैं, और अगर हम क्लिक करेंगे तो ही तो व्यू काउंट करेगा। सो अगर आपके वीडियो पर भी व्यूज नहीं आ रहा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके वीडियो का थंबनेल भी बेस्ट नहीं है। आपको अपना थंबनेल सही तरीके से बनाना पड़ेगा, क्लिक ही बनाना पड़ेगा, तो जाके ही आपके वीडियो पर ज्यादा क्लिक्स मिलेंगे, ज्यादा व्यूज आएंगे। एंड अगर आपके वीडियो का CTR कुछ इस तरीके से डाउन जा रहा है, मतलब आपको तो भाई करना ही पड़ेगा अपने थंबनेल को इम्प्रूव। सो ऐसे में आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपने उस वीडियो के एनालिटिक्स पर जाना है, रीच वाले सेक्शन पर जाना है एंड फिर से आपने नीचे जाना है टॉप YouTube सर्च टर्म्स पर। फिर जो आपको सबसे ऊपर सर्च टर्म मिल रहा है आपने इस सर्च टर्म को टारगेट करना है एंड इसी टेक्स्ट को आपने अपने थंबनेल पर ऐड करना है, यूज करना है, एंड उससे आपने एक अच्छा सा थंबनेल बनाना है।
इसके अलावा अगर आपकी वीडियो पुरानी हो चुकी है, मतलब 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए या फिर इससे ज़्यादा भी हो गए, तो सिंपली आपने ऊपर क्लिक करना है, लास्ट 7 डेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी 7 दिन के अंदर लोग सर्च कर रहे हैं एंड आपकी वीडियो तक पहुंच रहे हैं, आपने सबसे ऊपर वाले सर्च टर्म को टारगेट करना है, यूज करना है एंड उसी से थंबनेल बना के अपने वीडियो पर थंबनेल ऐड कर देना है। एंड इसी सेम तरीके से मेरे खुद के वीडियो का जो सर्च टर्म है सबसे ऊपर वाला गेमिंग चैनल नेम, इसी को मैंने अपने वीडियो के थंबनेल पर टारगेट किया है, यूज किया है एंड थंबनेल बना के अपने वीडियो के लिए लगाया है, जिससे मेरे इस वीडियो का CTR काफी हाई जा रहा है, जिससे मुझे ज्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं, ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं एंड मेरा वीडियो बूस्ट हो रहा है। एंड इस तरीके से आप भी अपने वीडियो का CTR बढ़ा सकते हो एंड अपने वीडियो को बूस्ट कर सकते हो, तो इस स्ट्रेटजी को जरूर यूज करना। तो गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो भाई वीडियो के कमेंट सेक्शन पर हेल्पफुल वीडियो जरूर लिखना, इससे यार मुझे मोटिवेशन मिलती है इस टाइप की वीडियोस और भी बनाने के लिए। एंड यूट्यूब ग्रो से जुड़ी और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए भाई आप इस वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करना, आपके डेफिनेटली बहुत काम आएगी। तो गाइस, मैं मिलता हूं इसी टाइप की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, फिर तब तक के लिए बाय।